हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हमने कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस की नेमिंग की थी। आज हमें वैसे तो करनी थी एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस की नेमिंग, लेकिन ऑन डिमांड एक टॉपिक सजेस्ट किया गया है सीएफटी, तो आज हम वही स्टडी करेंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कहती है, उससे पहले हम देखते हैं कि पिछले थ्योरीज में क्या पढ़ा था हमने। हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी है, वीबीटी पढ़ ली है हमने, हमने वर्नर्स थ्योरी पढ़ी है। इन्होंने क्या किया था, इनमें ये था कि ऑर्बिटल्स हैं मेटल के और लिगेंड्स के, वो आपस में हाइब्रिडाइज कर रहे हैं, उनके बीच में ओवरलैपिंग हो रही है और कोवलेंट बॉन्ड, जो कि पहले कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है बाद में वो कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है, ये हमने उसमें स्टडी किया था। लेकिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी डील करती है ओनली आयनिक कंपाउंड से। पहली बात तो ये अप्लाइड है, अप्लाइड टू आयनिक कंपाउंड ओनली। दूसरी बात, जिस तरह से वीबीटी और वर्नर्स थ्योरी, वीएसईपीआर थ्योरी होती है, जैसे प्लस वन में हमने पढ़ी है, तो उसमें क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट होता है, लेकिन यहाँ पे नो हाइब्रिडाइजेशन। अगर हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं है तो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग ही नहीं होगी, या हम कह सकते हैं कि अगर ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग ही नहीं है तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी। दोनों ही केसेस सही है, नो ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अगर ओवरलैपिंग नहीं है तो कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा, नो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। ये थ्योरी कहती है कि जो मेटल है और लिगेंड्स है उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है किस किस के बीच में, मेटल आयन एंड लिगेंड्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मेटल आयन्स एंड लिगेंड्स। अब इस थ्योरी के जो पॉस्टुलेट्स हैं, सबसे पहला पॉस्टुलेट भी इसी पॉइंट को ही कहता है जो हमने लिखा है कि ये थ्योरी किससे डील करती है, सिर्फ आयनिक कंपाउंड से डील करती है। और ये कहती है कि जो आयन्स हैं, मेटल आयन्स और लिगेंड्स हैं, लिगेंड्स को हम पॉइंट चार्जेस भी बोल सकते हैं और पॉइंट डायपोल्स भी, तो ये जो थ्योरी है ये डील करती है इनसे। और पहला पॉस्टुलेट इसका यही कहता है कि जो मेटल आयन है और लिगेंड्स है उनके बीच में आयनिक बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, देयर एग्जिस्ट एन आयनिक बॉन्ड बिटवीन मेटल आयन एंड लिगेंड्स। तो इसके पॉस्टुलेट्स लिख लेते हैं पहले। हायर लेवल पे जो हम एमएससी लेवल में पढ़ते हैं उसमें पॉस्टुलेट्स का इतना नहीं होता है, पॉस्टुलेट्स हमें पढ़ने ही नहीं होते हैं, लेकिन हम स्टडी कर रहे हैं ये प्लस टू लेवल के लिए, तो हमें पॉस्टुलेट्स पढ़ने ही पड़ेंगे। और इसमें जैसे ही हम बीएससी लेवल पे जंप करते हैं तो वहां पे सिंपल एक समरी आती है कि एक मेटल आयन है, उसके ऑर्बिटल्स फ्रीली पड़े हुए हैं, तब वो डीजनरेट है, सबकी एनर्जी सेम है। फिर उसको लिगेंड से अप्रोच करेंगे, अलग अलग एंगल से वो अप्रोच करेंगे, हमें पूरा स्ट्रक्चर उसमें बना के दिखाना पड़ता है कि किस तरह से ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग हो रही है, किस तरह से टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग हो रही है। हमने ये कॉम्प्लेक्सेस का पढ़ा हुआ है कि ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल है कॉम्प्लेक्सेस और एक स्क्वायर प्लेनर, तो वो बीएससी लेवल पे जाता है। अब फर्स्ट पॉस्टुलेट इसका कहता है, पहला तो हमें सेंटेंस ये लिखना है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, पहला पॉस्टुलेट है कि जो बॉन्डिंग है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में वो प्योरली आयनिक बॉन्डिंग है, जिसमें लिगेंड्स तो बिहेव करेंगे नेगेटिव पॉइंट्स की तरह और मेटल बिहेव करेगा एज अ पॉजिटिव आयन। देखो आयनिक बॉन्डिंग कब होती है, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, ये आयन्स बने हुए और आयन्स के बीच की बॉन्डिंग क्या है, आयनिक बॉन्डिंग। तो यही ये कह रहा है कि जो कॉम्प्लेक्सेस के बीच में बॉन्डिंग है, तो बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस इज आयनिक, आयनिक बॉन्डिंग है, इन विच
मेटल आयन या फिर मेटल एटम बिहेव्स एज अ पॉजिटिव आयन, ये पॉजिटिव आयन की तरह बिहेव करेगी, वेयर एज लिगेंड्स बिहेव एज नेगेटिव आयन्स, नेगेटिव पॉइंट्स भी बोल सकते हैं। हमने यहाँ पे देखो पॉइंट चार्जेस या पॉइंट डायपोल्स लिखा था, अब मैं पॉइंट चार्जेस और पॉइंट डायपोल्स भी क्लियर कर दूं। पॉइंट चार्जेस होते हैं नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स, और जो पॉइंट डायपोल्स हैं ये होते हैं न्यूट्रल लिगेंड्स। पॉइंट चार्जेस नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स और पॉइंट डायपोल्स विच आर न्यूट्रल लिगेंड्स। सेकेंड पोस्टुलेट कहता है इसका कि जब तक लिगेंड्स मेटल आयन को, मेटल एटम को अप्रोच नहीं करते, मतलब फ्री सेंट्रल मेटल आयन पड़ा है, तब तक जो उसके पांच डी ऑर्बिटल्स है, डी में पांच ही ऑर्बिटल होते हैं, वो सारे क्या होंगे, सेम एनर्जी के होंगे, मींस वो सारे क्या होंगे, डी जनरेट। तो सेकंड पोस्टुलेट हम लिखेंगे, इन केस ऑफ फ्री सेंट्रल मेटल एटम और आयन, all the 5d orbitals are degenerate. degenerate का मतलब क्या है, means they have same energy, सबकी energy क्या रहेगी, same। लेकिन जैसे ही लिगेंड्स अप्रोच करेंगे आके मेटल आयन को, तो जो ये डीजनरेसी है वो नहीं रहेगी, मतलब वो ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाएंगे अलग अलग एनर्जी लेवल्स पे, एक ग्रुप बन जाएगा हायर एनर्जी लेवल वालों का, एक ग्रुप बन जाएगा लोअर एनर्जी लेवल वालों का। तो थर्ड पॉइंट आएगा, व्हेन लिगेंड्स अप्रोच मेटल आयन, देन द डीजनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल्स इज लॉस्ट, जो डीजनरेसी है मीन्स उनकी सेम एनर्जी नहीं रहेगी अब, दे स्प्लिट, दे कौन है यहां पे, डी ऑर्बिटल्स, दे स्प्लिट इन, स्प्लिट इनटू टू ग्रुप्स, वन ग्रुप हैव लोअर एनर्जी देन एटॉमिक डी ऑर्बिटल्स। एटॉमिक डी ऑर्बिटल्स का मतलब है जो डी ऑर्बिटल्स मेटल आयन के हैं इंडिविजुअली जो है, एक ग्रुप की एनर्जी तो होगी उससे कम, एंड अदर ग्रुप हैव हायर एनर्जी देन एटॉमिक डी ऑर्बिटल्स। एक ग्रुप की तो एनर्जी है ज्यादा और एक की है एनर्जी कम। पोस्टुलेट्स में बहुत थ्योरी होती है, अगर आपको ये बोर्डम लग रहा है तो आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करके स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको साथ साथ समझना है तो आप जिस स्पीड पे चल रहे हैं उसी स्पीड पे ही ठीक है, या उसको थोड़ा सा फास्ट करके देख सकते हैं। देखो रिकैपिटुलेट कर लेते हैं पहले तीन पॉइंट जो हमने लिखे हैं। फर्स्ट पॉइंट कहता है कि जो बॉन्डिंग है मेटल कॉम्प्लेक्सेस की, इनकी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की, वो प्योरली आयनिक है, मतलब मेटल तो पॉजिटिव आयन की तरह बिहेव करेगा और लिगेंड्स नेगेटिव आयन की तरह बिहेव करेंगे। नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में जो बॉन्डिंग होती है दैट इज आयनिक बॉन्डिंग। सेकंड पॉइंट कहता है कि अगर मेटल के जो ऑर्बिटल्स हैं, मतलब मेटल आयन ऐसे ही फ्रीली पड़ा है, तो उसके जो पांच डी ऑर्बिटल्स हैं, याद रखना है एस में एक होता है ऑर्बिटल, पी में तीन, डी में पांच और एफ में सात, ओड नंबर्स में होते हैं, तो जो 5d ऑर्बिटल्स हैं वो क्या होंगे, डीजनरेट, मींस उनकी सबकी एनर्जी क्या रहेगी,
सेम, लेकिन जैसे ही लिगेंड आके अप्रोच करेगा मेटल आयन को तो वो स्प्लिट होना शुरू कर देंगे, वो डीजेनरेसी नहीं रहेगी। अब इसका कारण क्या है, इसका रीजन क्या है स्प्लिटिंग होने का? देखो लिगेंड जो आ रहा है वो नेगेटिव भी है और न्यूट्रल भी है, लेकिन एक चीज दोनों में ही कॉमन है, चाहे वो न्यूट्रल है चाहे वो नेगेटिव है, उसके पास क्या होगा, लोन पेयर होगा। जो लोन पेयर है और मेटल के जो ऑर्बिटल्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो उनके बीच में रिपल्शन स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही वो रिपल्शन होगी तो वो क्या होंगे, स्प्लिट होना शुरू कर देंगे। तो इसमें आप लिख सकते हो, दिस इज बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स इन द डी ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल आयन आर रिपेल्ड बाय, उनकी रिपल्शन होगी किससे, इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ या फिर बाय लोन पेयर्स ऑफ लिगेंड्स। ये हो जाएगा। अब इस स्प्लिटिंग को, जो स्प्लिटिंग है डी ऑर्बिटल्स की, इसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग। द स्प्लिटिंग ऑफ या फिर दिस स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, आप इसको ऑर्बिटल्स बोलिए और वाइटल्स बोलिए डजंट मैटर, इनटू टू ग्रुप्स इज कॉल्ड क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग। क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग थ्योरी का नाम है क्रिस्टल फिल्ड थ्योरी, और ये जो स्प्लिटिंग होती है इसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग। अब अगर हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है उसकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, तो जो उन डी ऑर्बिटल्स, जो दो ग्रुप बने हैं डी ऑर्बिटल्स के, उनके एनर्जी डिफरेंस को हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो जो फोर्थ पॉइंट है वो कहता है, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस द एनर्जी डिफरेंस, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है उसमें जो एनर्जी डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल नोट से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल नोट। और जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है, इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो एनर्जी डिफरेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, द एनर्जी डिफरेंस, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं इसको, काफी लेंदी हो चुकी है वीडियो, एनर्जी डिफरेंस इज कॉल्ड, यहां पे दिस कर लीजिए फिर ये सिमिलर हो जाएगा, दिस एनर्जी डिफरेंस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल टी, डेल टी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओ स्टैंड्स फॉर ऑक्टाहेड्रल एंड टी स्टैंड्स फॉर टेट्राहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल को शॉर्ट फॉर्म में हम OH भी लिख सकते हैं और टेट्राहेड्रल को TD लिख सकते हैं, ये इसकी शॉर्ट नोटेशन है। ऑक्टाहेड्रल में जो स्प्लिटिंग होती है दो ग्रुप्स में, वो जो दो ग्रुप्स हैं वो होते हैं, एक होता है EG लेवल, एक होता है T2G लेवल। और जो टेट्राहेड्रल में होते हैं दो ग्रुप्स, वो होते हैं E एंड T2। तो ये थे पोस्टुलेट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के। नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में स्प्लिटिंग,
और ये ईजी टी टू जी, यहाँ पे तो जी लगाया है लेकिन यहाँ पे जी नहीं लिखा है, इसको हमने कोई रिस्पेक्ट नहीं दी है। वो रिस्पेक्ट क्यों नहीं दी है हमने, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।